और देखें उसका काम करने का ताकत कितना बढ़ता है। और जो पत्नियां इस बिजनेस में हैं, वो अपने पतियों को इस बिजनेस में शामिल करें, कोशिश करें हर संडे मीटिंग में आना, हर ट्रेनिंग में बैठाना, और आप देखेंगे कि रेगुलर अगर आपने ये किया तो आपकी जिंदगी में एक मिरेकल होगा। अगर आपने ये किया तो आपकी लाइफ में एक बड़ा मुकाम बनेगा, क्योंकि पत्नी जब निगेटिव होती है तो पति पॉजिटिव करता है, जब पति निगेटिव होता है तो पत्नी पॉजिटिव करती है। और ये हमारे आधे की अर्धांगिनी है, वैसे भी उसे पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। उसको अपना बिजनेस पार्टनर बनाइए और आप देखेंगे कि ये धंधा आपके घर में, आपकी वाइफ घर में रह के जो कार डालेंगे ना, वो आप सोच भी नहीं सकते। और अगर आप कहीं गए, किसी के घर में गए, तो एंट्री आपकी मना है, ड्राइंग हाल के अंदर नहीं जा सकते। लेकिन अगर बसंती साथ में गई ना, तो कोने कोने तक घुस जाएगा, समझ मारा, तो बिजनेस आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए कपल में बिजनेस करना की आदत डालिए, पति और पत्नी दोनों को इन्वॉल्व करिए, बिजनेस का ताकत है और यही सिस्टम कहता है। एक बात याद रखना है, हीरो की खुदाई। इस बिजनेस में कभी आपने सोचा है कि हमारे यहां रैंक क्या बनता है? रिकॉग्निशन वाला, रैंकिंग का मौला नाम क्या है साहब? सिल्वर। फिर अगला नाम क्या है? पर्ल। फिर अगला नाम क्या है? इमरॉयड। अगला नाम क्या है? गोल्ड। अगला नाम क्या है? प्लैटिनम। अगला नाम क्या है? डायमंड। करेक्ट, सही है। अब यहां पर आपको डायमंड जाना है, तो आपको सौदा प्लान, सौदा प्लान, सौदा प्लान, सौदा प्लान, सौदा प्लान, ये ध्यान मत दो कौन आया कौन नहीं आया। अपनी खुदाई जारी रखो, क्योंकि जब एक तोला सोना पाना होता है, एक तोला सोना पाने के लिए जो खुदाई करता है वो 10 टन मिट्टी हटाता है। कितने टन मिट्टी? 10 टन मिनिमम मिट्टी हटाता है, तब उसे एक तोला सोना नसीब होता है। तो उसका ध्यान मिट्टी पे नहीं, सोने पर। तो आपको भी इस इंडस्ट्री में खुदाई करते जाओ और आपको डायमंड मिलेंगे, इसमें कोई दो राय। और मैं जानता हूं आज इस मीटिंग में कुछ डायमंड हैं जो मन ही मन संकल्प ले रहे, जो मन ही मन अंदर से ठान रहे कि यस, मैं वो डायमंड बनकर रहूंगा और ये खुदाई मेरी जारी रहेगी। सो माय डियर फ्रेंड, आप खुदाई किसकी करनी है? टीम की करनी है। माफी चाहूंगा, खुदाई करनी है स्वयं, क्योंकि इंसान दुनिया को जीत सकता है, सही है, जीत सकता है कि नहीं? लेकिन मैं आपसे कहता हूं 100% तो इंसान दुनिया को जीत सकता है, लेकिन जो इंसान स्वयं को नहीं जीत सकता वो दुनिया को कभी नहीं जीत सकता। आपको दुनिया को जीतने के पहले स्वयं को जीतना पड़ेगा। जैसे आपको प्लान देना नहीं आता तो आपको प्लान देना आना चाहिए, इसकी खुदाई करो कि प्लान कैसे आएगा। फॉलो करना नहीं आता, इसकी खुदाई करो कि फॉलो कैसे आएगा, इस पर मेहनत करो, तैयारी करो। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना नहीं आता, इसकी तैयारी करो। इनविटेशन नहीं आता, इसकी तैयारी करो। हेलो, समझ में आ रहा है? आपको कंटिन्यू खुद को तैयार करने की जरूरत है और अपनी सूची की प्राथमिकता तय करना है। प्राथमिकता का मतलब समझ गए? जो लिस्ट आप बनाइए इसको कैटेगरी वाइज करिए, ए बी और सी। तो पहले किसको टच करना है? ए। फिर किसको करना है? बी। फिर करना है किसको? सी। और आपने अगर ये करा तो इतिहास रच दोगे। ये प्रोसेस है इस इंडस्ट्री का, शिखर पे जाने का, डायमंड बनने का। और एक बात याद रखना, यहाँ पर बहुत पावरफुल एक टेक्निक यहाँ दिया गया है जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर दिया गया है कि बेनाम प्रॉस्पेक्ट, कौन से नाम? बेनाम। जिनका नाम आप जानते ही, अब आप सोच रहे होंगे बेनाम प्रॉस्पेक्ट ये कौन लोग है, ये किस क्षेत्र की मूली है? साहब, जिसे आप जानते नहीं। कैसे आप जानेंगे इन्हें, कोई बता सकता है? हेल्प मी, ये ट्रेनिंग में कई बार दे चुका हूं, कोई बता सकता है? बताइए। यस सर, कैसे जानेंगे आप बेनाम प्रॉस्पेक्ट? अनजान लोगों से ऐसे बात करके कि जो है आपको पहले कहीं देखा है,
फिर वो कहेंगे कहाँ देखा है, इस तरह से मतलब बात बढ़ाएंगे, धीरे धीरे प्रोस्पेक्टिंग हो सकती है। और कोई प्रयास करे, बहुत अच्छा प्रयास। और कोई ओके, चलो मैं अपनी मदद करता हूँ। बहुत बढ़िया, ग्रेट मैडम, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने अच्छा प्रयास किया। मैं आपको बताता हूँ, बड़ा आसान है बेनाम प्रॉस्पेक्ट को ढूंढना, ये भूलना मत। हम जानते हैं आप लोग ट्रेनिंग लेते हो भूल जाते हो क्योंकि केयर नहीं करते। आपने कभी देखा है कबड्डी खेलते हुए प्लेयर को, और उसमें एक प्लेयर बड़ा जबरदस्त होता है, हेलो, और सारे लोग उसकी बात मानते हैं। आपने कभी देखा है किसी शादी में 10 लोग बीच में बैठे होते हैं, एक आदमी बात कर रहा होता है, 10 लोग घेरे होते हैं, हेलो, देखा है? क्रिकेट खेलते टाइम कभी आपने देखा है कि कोई खिलाड़ी बहुत अच्छा खेलता है या उसकी सब लोग बात मानते हैं, या समाज में कभी आपने देखा कि 20 लोग बात कर रहे हैं अगर एक आदमी पहुंच जाए तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है और उसको लोग सारे लोग सुनने लगते हैं। ये बेनाम प्रॉस्पेक्ट है, यानी इनमें लीडरशिप है, हेलो, इनमें लीडरशिप है, इनके पीछे फॉलोअर लोग हैं, ये किसी को भी कन्विंस करने की क्षमता रखते हैं। आजकल किटी पार्टी चल रही है शहरों में, जाओ जानबूझ किटी पार्टी अटेंड करो, रो 10 ठू जानबूझ के, और आप देखोगे उस किटी पार्टी में एक होगी जो सबकी माँ हो, उम्र चाहे उसकी छोटी क्यों ना हो लेकिन माँ सबकी हो, अम्मा है वो, समझ में आ रहा है? उसका बोलना, चलना, उठना, बैठना, बात करना, एक्टिविटी सब डिफरेंट, और कमाल की बात है कि उसकी सब लोग इज्जत करते हैं। देखा कभी? और अगर आप यहाँ किटी पार्टी में महिलाएं सोच रही होंगी तो आप यहाँ दुरदुरिया चलता है, वहां में पता चलेगा आपको। और नहीं होता तो संगीत होता है आजकल शादी विवाह में, वहां जब 20 महिलाएं खड़ी हो तो आप देखना उसमें बड़ी तेज महिला हो जो उसकी हर कोई बात मानता है, वो लेडीज आपके काम की है, उसमें लीडरशिप है, उसको बताओ क्या कर सकती हो आप। मैं लिख कर देता हूं, आपका मेहनत कम होगा और रिजल्ट बहुत ज्यादा होगा। इसी तरह स्टूडेंट लॉबी में आप देखो 20 फ्रेंड है, उसमें सबसे तेज बंदा कौन है? ये आपकी तरीका है प्रॉस्पेक्टिंग करने का, बेनाम प्रॉस्पेक्टिंग करने का एक तरीका है। नेक्स्ट,